देश में 26 जनवरी को मनाए जा रहे 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज आशुतोष सिटी बरेली स्थित शिवा क्लासेस कोचिंग सेंटर पर आज 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शिवा क्लासेस पर डॉक्टर मनीष वार्षणेय, प्रगति वार्षणेय, डॉक्टर जेपी वार्षणेय, सोनिका वार्षणेय आदि ने शिवा क्लासेस कोचिंग सेंटर पर ध्वजारोहण कर शिवा क्लासेस के छात्रों में मिष्ठान वितरण कर 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिवा क्लासेस के बच्चों ने राष्ट्रभक्ति के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत करके कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के समापन के बाद प्रगति वार्षणेय, डॉक्टर मनीष वार्षणेय, डॉक्टर जेपी वार्षणेय ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, मेरा नाम प्रगति वार्षणेय है। मेरी कोचिंग का नाम शिवा कोचिंग सेंटर है। मैं 26 जनवरी के उस समय ये त्यौहार गरीब बच्चों के लिए सिखाने के लिए करना चाहती हूँ। हाँ जी, आज जो कार्यक्रम है इसमें किस तरह के कार्यक्रम आप बच्चों से करवा रहे हैं? इनका उत्साह बढ़ाने के लिए। कितने बच्चे आपके कोचिंग सेंटर में हैं? 40 से 45 बच्चे हैं मेरे पास। इन सबको, गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करती हैं? हाँ, कम ज़्यादा नहीं, पेमेंट नहीं लेती हैं, कम ही मात्रा में पेमेंट लेना चाहती हूँ उन लोगों से। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मनीष वार्षणेय है। मैं सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बरेली में डीन स्टूडेंट वेलफेयर हूँ। सर, ये जो आपके यहाँ कोचिंग सेंटर चलता है इसमें किस तरह की सुविधाएं आप बच्चों को देते हैं यहाँ पर? देखिए, ये जो कोचिंग है शिवा क्लासेस के नाम से है। अभी तक हम लोग इसे 1st to 8th तक चलाते थे। और बेसिकली क्या है, जो बच्चे गरीब होते हैं, जो बच्चे, जिन बच्चों के माँ बाप पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को हमारी जो मिसेज है प्रगति वार्षणेय, उनका एक विज़न था कि वो गरीब बच्चों को आगे लेके जाएं, मतलब वो भी बच्चे कुछ करें। तो इसके लिए अभी तक तो 1st to 8th चलता था, लेकिन अब इसका हमने बड़ा स्वरूप स्टार्ट किया है। 9th to 12th सारे सब्जेक्ट्स, इसके साथ साथ IIT जी की मेडिकल की तैयारी और सारी जितने भी कंपटीशन है उनकी तैयारी भी हम लोग कराते हैं। तो उसका वेंचर हमारा बिल्कुल हमारे घर के बगल में है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग उसमें भी हमारा विज़न और मिशन ये है कि ये नहीं है कि खाली वो बच्चा जो पैसा खर्च कर सकता है वही आगे बढ़े। ऐसा बच्चा जो बच्चा पैसा खर्च करने की उसके फैमिली में नहीं है वो भी आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। ये आपका कोचिंग सेंटर कब से चल रहा है? ये कोचिंग सेंटर हमारा 4 साल हो गए चलते हुए, मतलब इस समय ये चल रहा है 2018 से चल रहा है, 5 साल हो गए। 5 साल। अब तक कितने बच्चे आपके यहाँ पर ट्यूशन कोचिंग ले चुके हैं? हाँ, जनरली जो इस समय की जो फिगर है यहाँ की, 40 से 45 बच्चे तो ये जूनियर विंग में पढ़ते हैं जो 1st to 8th क्लास है, और जो 9th to 12th वाला सेक्शन है उसमें भी हमारे पास 50 से 60 बच्चे अभी हैं। और आगे हमारा टारगेट यह है कि 200, 300, 400, 500 बच्चे जो भी हैं वो आगे बढ़ें। वार्षणेय जी, जो परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं किसी कारण से, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ाएं। पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जिसका मतलब, अगर आपका बच्चा पढ़ा हुआ है और आप गरीब हैं फिर भी आप अपने पढ़ाई के दम पर आगे बढ़ सकते हैं, यही हमारा संदेश है। मतलब बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं करना चाहिए। हमारी जैसी बहुत सारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, और हमारा यही पूरे सोसाइटी को यही कहना है कि जो बच्चा गरीब है वो भी आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो गरीब ही मर जाएगा। मेन ये है कि वो हो सकता है उसके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे हों कि वो गरीब परिवार में हो, लेकिन आगे आने वाला समय में वो अपनी पढ़ाई के दम पर आगे बढ़ सकता है। थैंक यू। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर जेपी वार्षणेय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में टीचिंग करता हूँ।
और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे डॉक्टर साहब और हमारी भाभी जी ने जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, इससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। और उनका विजन, जैसा कि मैंने अभी सुना था कि अगर कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है तो ये उसका दोष नहीं है, लेकिन गरीब अगर वो मरेगा तो ये उसका दोष है। तो बड़ा मैं प्रभावित हूँ सब चीज़ों से। भाभी जी से मेरी बात हुई तो पता चला मुझे कि अधिकतर जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो बहुत ही गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, या तो गरीब मजदूर के बच्चे हैं, या उनकी माएँ घरों में काम करती हैं। तो हमारी भाभी जी का कहना यह था कि ऐसे बच्चों को भी पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। वो बच्चे हमारे विद्यालय में तो पढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत होती है तो ऐसे पेरेंट्स जो है उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो इतनी महंगी महंगी कोचिंग में पढ़ा पाएँ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो विजन है उनका बहुत ही शानदार, और बड़ा हम गर्व फील करते हैं इस चीज़ पर कि हमारी भाभी जी ने जो ये बीड़ा उठाया है गरीब बच्चों को पढ़ाने का। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बहुत 8-10 बच्चों से शुरुआत करी थी और आज यहाँ पर करीब 40-50 बच्चे पढ़ रहे हैं। और आपको जानकर बहुत हर्ष होगा कि इस कोचिंग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी एक दूसरी ब्रांच, जो क्लास 9 से 12th तक प्लस उसमें कॉम्पिटिशन की भी क्लासेस अरेंज हो रही हैं, वो भी लागू किया है। तो उसमें भी ये जो विचार उन्होंने बताया हमें कि जो हमारी बेटियाँ हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर उनको भी हम मुफ्त शिक्षा देंगे, तो ऐसे विचार आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं और निश्चित रूप से इनकी प्रगति होगी। अब मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि आज हम सब बच्चे और हम सब लोग यहाँ 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस पर मैं बताना चाहूँगा कि भाई गणतंत्र दिवस जो है हमारा क्यों मनाते हैं हम लोग। ये बच्चों को आज डिटेल में बताया बहुत अच्छा कि वास्तव में हमें आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन उस समय हमारा संविधान नहीं बना हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद हम पूर्ण तरह से गणतंत्र हो गए। और तब से हम, आपने देखा 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय हमारा देश गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के कुचक्र में फंसा हुआ था, लेकिन सात दशक के मेहनत के बावजूद आज आपने देखा कि भारत चांद पर झंडा अपना तिरंगा फहरा चुका है। तो लेकिन अभी भी बहुत सारी कुरीतियाँ ऐसी हैं इस देश में जिनको हमें दूर करना पड़ेगा या उनके लिए एक संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे आपने देखा अशिक्षा, असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ग्लोबल वार्मिंग, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें दूर करने के लिए एक प्रण लेना पड़ेगा, एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम इन सभी कुरीतियों को दूर करेंगे और हर अग्नि परीक्षा को विजय होकर पार करेंगे। और ये गणतंत्र दिवस हमें ये शिक्षा देता है कि वास्तव में हर विद्यार्थी को और हम सभी को देश का सम्मान करने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें नींद को त्यागना पड़ेगा, तभी हमारी विजय होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।